चरण को धनिए ना छुड़ाइयो खिने लाक तली लाल एड़िया मेरे जीव के यही जीवन इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून पलना वालू निरखो नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन वंदो सतगुरु चरण को करूं सु प्रेम प्रणाम अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मेराज सुनाम तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम पिया जी को पल पल करूं प्रणाम बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय श्री महामती कहे जो होवे धाम की सो पहचान के लीजो लाहा ले सको सो लीजियो फिर ऐसा ना आवे समया फिर ऐसा ना आवे समया सखीरी जान बुझ क्यों खोइए सखीरी जान बूझ क्यों खोइए। सिंहासन पर विराजमान श्री राज श्री ठकुरानी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ऊपर वाली चौपाई अभी हमने सुनी, महामती कहे जो होवे धाम की सो पहचान के लीजे लहा। ना तो ईश्वरी सृष्टि को कह रहे हैं और ना जीव सृष्टि को कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? ब्रह्म सृष्टि को, जो परम धाम में खेल वहाँ से हम देख रहे हैं। क्योंकि ब्रह्म सृष्टि के लिए तो धनी जी का आना हुआ, हम आए एते काम ब्रह्म सृष्टि ले जाने घर धाम। कहीं ये नहीं लिखा हुआ हम ईश्वरी सृष्टि को लेने आए या जीव सृष्टि को लेने आए। इसलिए परम धाम की आत्माओं को कह रहे हैं कि तुम अगर अपना दावा लेते हो कि हम परम धाम में धाम धनी के चरणों में बैठ के खेल देख रहे हैं, तो अभी तक तुम्हें धाम धनी के स्वरूप की पहचान क्यों नहीं हुई? क्योंकि खाली सुनने से पहचान नहीं हो जाती सुंदर साहब जी। शब्द तो है जागृत जगावत तत्क्षण, जो ना ले सिर आपने तो क्या करे वचन। क्योंकि पहचान जिस दिन राजी के स्वरूप की हमें हो जाएगी, उसी समय हमारे अंदर इतना विरह आएगा, इतना इशक आएगा, देखन को तन सागर माहे। सिर्फ हमारे तन यहाँ नजर आएंगे, हमारी सुरता परम धाम में घूमने शुरू कर देगी, अपने असली तन को देख लेगी जिस दिन पहचान हो जाएगी। वाणी कह रही है पहचान होते ही परम धाम की आत्म को इश्क का रोग लग जाएगा। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, जो होवे धाम की सो पहचान के लीजो लाभ। लाभ यहीं पर लेना है। परम धाम में तो हम हमेशा राज्य के सुख लेते ही थे। धाम मेलो सदा सदीवे दुर्लभ मेलो संसार। यहाँ पर आए हैं इंद्रावती जी ने जिस तरह से अपने असली तन को देखा, उसी तरह से आज हमें देखना है। सदगुरु देवचंद जी सुंदर साह जी 16 साल की उम्र में घर से निकले थे। उनको राजी महाराज ने 17 साल की उम्र में दर्शन नहीं दे दिए। 24 साल लग गए, 40 साल की उम्र में साक्षात दर्शन दिए। और पहले पठान के रूप में दिए, फिर चितवन में भी दिए, इसी तरह से इंद्रावती जी को भी पहले हफ्से में भी दिए, फिर आगे सूरत में भी दिए, अनूप शहर में भी दिए, अभी अभी हम सब ने बीतक भी सुनी है सुंदर साहब जी। उसी तरह से ये हम ना सोचें कि अभी तो हमें पता नहीं कब दर्शन होंगे। हम सरकार साहब के समय से चल रहे हैं,
कई बड़े महाराज जी के समय से चल रहे हैं, तो अब हम बिल्कुल किनारे पे हैं, लेकिन अब हम हिम्मत ना हारें। इत खिन का है जो लटका, जीत चलो भावे हार। महामति हेत कर कहें, साथ को विद विद की करत पुकार। हर तरह से राज्य में पुकार करके कह रहे हैं, अब समय नजदीक आ रहा है परम धाम में उठने का भी। इसलिए राजी महाराज ने भी देखो, सब जगह चर्चनी, चितवनी, वाणी मंथन सुंदर साथ खूब कर रहे हैं। इसी के साथ साथ हमें अपनी चितवन को जरूर बढ़ाना है, क्योंकि जब हम चितवन में राजी के सामने होंगे तभी हम उनसे बात कर पाएंगे, तभी हम अपने असली तन को देख पाएंगे। जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए पर आत्म, सो पर आत्म लेके विलसिए संग कसम। तो पर आत्म को हम कैसे ले सकते हैं, पर आत्म को कैसे देख सकते हैं? सुंदर साहब जी, आत्म को पर आत्म जैसा श्रृंगार करना पड़ेगा। जब हम चितवन करते हैं, जमुना पाठ घाट में झीलना करते हैं, छोटक देरियों में जाते हैं, उस समय हमें ये भाव लेना है कि मैं धाम धनी की अंगना हूँ और धाम धनी के चरणों में बैठी हूँ। जो पर आत्म ने श्रृंगार किया है वही श्रृंगार हमारा होना चाहिए। उस समय गले में 5 हार, 4 हार और 5वां कंठ सरी का पूरा भाव लें, फिर हमारी आत्म चलेगी। जितना इशक असली तन में है सुंदर साहब जी, उतना हमारी आत्म में होना चाहिए, तब राजी और श्यामा जी दोनों हमें सुख देंगे। चौपाई कह रही है, एक रस होइए इशक सो, चले प्रेम रस पूर। जितना इशक पर आत्म में है उतना ही इशक हमारी आत्म में आ जाना चाहिए। एक रस होइए इशक सो, चले प्रेम रस पूर, फेर फेर प्याले लेते हैं श्याम श्यामा जी हजूर। तभी हम उनके सामने हो सकते हैं, और ये सिर्फ ब्रह्म सृष्टि कर सकती है। ईश्वरीय सृष्टि तो बुजुर्गी में रहेगी, मैं पने में रहेगी, मेरे को इतना इलम आ गया, मेरे को इतना कुछ आ गया, उसके अंदर बिरा नाम मात्र होगा, होगा तो सही। ब्रह्म सृष्टि और ईश्वरीय सृष्टि में ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा, चर्चनी को ईश्वरीय सृष्टि भी समझेगी, लेकिन जो बिरहा और जो राज्य तक पहुँचेगी वो ब्रह्म सृष्टि ही पहुँच सकती है। इसलिए सबसे ज़्यादा सिखापन सुंदर साहब जी ब्रह्म सृष्टि को दिया जा रहा है। महामति कहे जो होवे धाम की, सो पहचान के लीजो लाभ, ले सको सो लीजियो, फिर ऐसा ना आवे समय, क्योंकि समय एक जैसा नहीं रहता। कल तक आशा जी थी हमारे बीच में, आज हमारे बीच में नहीं है। आज कितना अधूरापन हम सबको लग रहा था, सुंदर साथ मायूस भी थे, तभी कह रहे हैं पता नहीं कल को आने वाले समय में कितना इनमें से भी सुंदर साथ हमारे सामने होगा या नहीं होगा। कितनी देर राजी महाराज ये चर्चनी का, चितवन का हमें सुख दे रहे हैं, परीक्षा भी तो लेते हैं ना धामधनी हर पल हमारी। इसलिए जो समय हमें मिला है उसको हम एक पल भी व्यर्थ ना गंवाएं। अगर हम सो रहे हैं तो जाग जाएं, जाग रहे हैं तो दौड़ लगाएं। सोता होए सो जागियो, जागा बैठा होए, बैठा ठाड़ा होइयो, जो पांव भरे आगे सोए। यूं तैयारी कीजिए, आगू करनी है दौड़, सब अंगों इशक लेके निकसिए ब्रह्मांड फोर। हमारा शरीर भले या रहे, हमारी आत्म हमेशा हर पल मूल मिलावे में धाम धनी के चरणों में रहने चाहिए। सुंदर साथ जी इंद्रावती जी की सुंदर साथ बंगला दरबार में आरती उतारते थे, लेकिन इंद्रावती सब सुंदर साथ को लेके पांचवी भूमि में पहुंच जाती थी। जो हम रोज सुख को निदान बोलते हैं, उठ बैठे दो सेजिया सुखदाई, आरती साजे श्री इंद्रावती ले आई। इंद्रावती अपनी आरती थोड़ी खुद उतारेंगी, वो आरती तैयार करके पांचवी भूमि में सुंदर साथ को लेके वहां पहुंच जाती थी। उसी तरह से हम बीतों को खाली सुने नहीं, उन बातों को याद करके अपनी रहनी में सुधार करें, और धनी के नजदीक ज्यादा से ज्यादा
आने की कोशिश करें, हमारे पास ज़्यादा समय ना भी हो, कम से कम 15 मिनट आधा घंटे इतना ही भाव ले लें कि मूल मिलावे में धामधनी के सामने बैठे। जब तक एक दुल्हन अपने दूल्हा के सामने ही नहीं जाएगी तो दूल्हा उसको अपना प्रेम और इशक कैसे दे सकता है। तभी धामधनी ने बार बार वाणी में कहा है, ये बैठक ना कीजो बंद। हमें जब भी गोष्ठी है, कितने भी काम हो, हमें छोड़ के आना चाहिए, क्योंकि चर्चनी के ही पहला ही सबक हम सुंदर साध को प्रेरणा जी जो है महामती जी के हृदय में बैठ के दे रहे हैं। महामती कहे, ए मोमनो देखो अपने सुख और धंधा सब छोड़ के देखो नूर जमाल का मुख। अपने सारे धंधे छोड़ दो, चाहे बहनों के घर के हैं, बच्चों के हैं, भाइयों के जितने भी जरूरी काम हैं, सब को छोड़ के धनी के चरणों में आ जाओ। 11 साल लगातार दिन रात धाम धनी ने पद्मावतीपुरी धाम में सुख दिए, तब जाके सुंदर साध को अपना असली तन और युगल स्वरूप दर्शन देने लगे। और हम महीने में अगर एक दिन आकर भी उसमें भी हम नागे करेंगे तो हम सोचें कि कैसे वो हमें अखंड सुख मिल सकते हैं। तो हमें जितना भी सुख एक महीने में ये खुराक जहाँ भी मिलती है, जिनको दो बार मिलती है, वो अपना समय हमेशा धनी में धनी के चरणों में आने की बात सोचें, कभी भी वो गोष्ठी को या बीतक का एक दिन भी मिस ना करें। भले वो कहीं भी बैठ के सुने, जरूरी नहीं जो यहाँ नहीं आ पाते, और यहाँ 6 मंदिर हैं, 5 मंदिर हैं, कहीं पर भी उनको लगता है कि हमें वहाँ सुख मिल रहा है, तो हमें एक दिन भी नागा नहीं करना चाहिए, तभी हम धनी के नज़दीक हो सकते हैं। अब कह रहे हैं, सखीरी जान बूझ क्यों खोइए ऐसा अलेके सुख अखंड, क्योंकि यहाँ पर तो अखंड सुख इस ब्रह्मांड में नहीं है। हम यहाँ पर घर परिवार में, बच्चों में, पत्नी के साथ अखंड सुखों को ढूंढते हैं। ओ मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, अगम पार अपार पार, ता है तेरो करार। यहाँ तो करार चैन भी नहीं है, हम सुखों को ढूंढते हैं, लेकिन हम सुनते हैं इसको विचार करें, अखंड सुख परम धाम के उन सुखों को याद करो, उन 8 सागरों को सुखों को याद करो जो हम हर पल धाम धनी से लेते थे। और यहाँ पर हम अपनी लापरवाही से, आलस से, अरे सुबह 10:30 बजे मंदिर बुला लेते हैं, एक दो छुट्टी होती है हफ्ते में, वो भी हमारी नींद खराब कर देते हैं। हमने तो 9 बजे उठने की प्लानिंग बनाई थी, इनको चैन नहीं आती। तो वो कह रहे हैं, ये आलस को, ये लापरवाहियों को छोड़ दो, परम धाम में उठने का दिन आ गया, कैसे धामधनी के सन्मुख जाएंगे। याद करो, 11 साल तक सुंदर सा सोए नहीं थे, उन्होंने लापरवाही आलस को त्याग दिया था। उन्हीं से ही हम सिखापन ले लें कि कितनी उम्र रह गई। आज समय बीतता जा रहा है और बीतते हुए पता भी नहीं चल रहा कब बुलावा आ जाए, राजी महाराज कहें भाई अब तेरा समय पूरा हो गया, चाहे तूने सूत काता है चाहे नहीं काता, लेकिन अब तो तेरे को अब परम धाम में ही तेरे को नंबर मिलेंगे। इसलिए सुंदर साध जी, एक पल भी हम अपना व्यर्थ ना गवाएं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके धनी के सन्मुख बैठने की कोशिश करें। ये अखंड सुख बार बार हमें नहीं मिलने वाले हैं। सो जाग देख क्या भूलिए बदले सुख ब्रह्मांड, इस झूठे सुखों के बदले। और ये भी सुख जो है बहुत खत्म होने वाले सुख है, अखंड सुख नहीं है। उन अखंड सुखों को याद करो, उसके बदले में तुम झूठे सुखों के पीछे दौड़ रहे हो, इनके लोभ लालच में पड़े हुए हो। थोड़ा विचार करो,
ये बच्चे, ये पत्नी, ये आदमी कहाँ तक हमारा साथ देंगे। शमशान घाट से आगे सुंदर साथ जी कोई भी नहीं जाता। एक ना एक दिन हमें बुलावा मौत का आना ही है। इसलिए हम विचार करें, हमने एक पल भी अपना व्यर्थ गंवाना नहीं है। कई कोट राज वैकुंठ के ना आवे इत के खिन समान। कहते हैं यहाँ की तो बात छोड़ो, स्वर्ग के सुख उसके ऊपर वैकुंठ के करोड़ों सुख। करोड़ सुख एक तराजू में रख लो और दूसरी तरफ परम धाम का अखंड सुख एक तराजू में रखो, तो भी उसके खिन के समान भी सुंदर साथ जी तुलना नहीं कर सकते। परम धाम के इतने अखंड सुख हैं और ये जो वैकुंठ के सुख है ना, इसमें भी ईर्ष्या द्वेष और लड़ाई झगड़े हैं। सिर्फ प्रेम और इशक है तो परम धाम में है। एक बार शंकर भगवान के ससुर ने यज्ञ किया, उसके अंदर शंकर भगवान को न्योता नहीं दिया गया। उमा जी को बड़ा दुख लगा तो वो अपने पिता से लड़ने के लिए चली गई। जब लड़ने के लिए गई, उनके पिता ने शंकर भगवान के लिए 3-4 उल्टे शब्द और बोल दिए। अब उमा जी को बड़ा दुख लगा, और कोई होता तो शराब दे देती, अब पिता को शराब कैसे दे। तो अपने आप को अग्नि दे दमन कर लिया, अपने आप को अग्नि में भस्म कर लिया। अब शंकर भगवान ने जब ये देखा तो उनको भी बड़ा क्रोध आ गया और अपने आप तांडव नृत्य करने लगे। फिर विष्णु भगवान ने उनके क्रोध को शांत किया और कहा कि ये उमा जी की जी राख है, देखो तुम्हें सुख दे रही है अब इस समय, और यही फिर दोबारा तुम्हारी अर्धांगिनी बनेगी, इसलिए शांत हो जाओ। तो ये लड़ाई झगड़े ईर्ष्या द्वेष वैकुंठ में भी हैं। सुंदर साथ जी विचार करो, ये परम धाम के अखंड सुख जो राज्य हमें यहाँ पर दे रहे हैं, उनके ऊपर विचार करो। सो जन्म वर्था जात है कोई चेतो सुबद सुजान। तुम तो शूरवीर हो, तुम परम धाम की आत्माएं हो, जीव श्रेष्ठ तो यहाँ के हैं, उनकी उत्पत्ति यहाँ की है। आप तो हर पल परम धाम में एक खिन का भी बिछोआ आप रास में नहीं सहन कर पाए, खिन एक बिरा ना सका। रास के अंदर जब धाम धनी हमारे से सुंदर साहब जी अंतर ध्यान हुए तो हमारी मूर्छा जैसी हालत हो गई थी, और आज तुम्हें क्या हो गया। 100-100 साल, आज 400 साल हो गए, हम ये ना सोचें कि राजी महाराज ने हमें आवाज नहीं लगाई। 400 साल में कम से कम 6-7 बार हम तन धारण कर चुके हैं, उस समय भी राजी हमें आवाज लगाते रहे, लेकिन हम लापरवाही में आलस में वो समय बिता दिया। लेकिन अब तो सावचेत हो जाओ, अंतिम घड़ी है, अंतिम बार राजी महाराज हमें आवाज लगा रहे हैं। तो रात को सो के और दिवस को खा के इस तरह से अपना जीवन एक पशु तुल्य होकर मत बताओ। आज किसी भी जानवर को, पशु को हम ये ब्रह्म ज्ञान नहीं सुना सकते, वो अपनी रहनी नहीं बदल सकता। रहनी को अगर बदल सकते हैं तो एक परम धाम की आत्म अपनी रहनी को बदल सकती है। सुंदर साची साफ चेत हो जाओ और अपना सुधार करो। एक खिन ना पाइए सिर साटे कई मोहरों पद्मों लाख करोड़। एक खिन भी फिर तुम्हें नहीं मिलना, कि हम चाहें कि हमारा सांस बढ़ा दिया जाए, लाख करोड़ों पद्मों जितने मर्जी पैसे खर्च कर लो, सुंदर साथ जी ये अखंड सुख हमें फिर मिलने वाला नहीं है। और फिर राजी महाराज ना हमें जप करना पड़ रहा है, ना हमें तप करना पड़ रहा है, कोई भी उस पार ब्रह्म का नाम भी दुनिया नहीं जानती। आज भी जाकर के देखो हरिद्वार में लोग कितना कितना तप कर रहे हैं और तप करके अखंड होने का वरदान मांगते हैं।
भस्मासुर थे एक, उन्होंने जप करके शंकर भगवान को प्रसन्न कर लिया। और जब शंकर भगवान ने दर्शन दिए और कहा बोलो बेटा क्या चाहिए, तो भस्मासुर क्या कहने लगे, मेरे को अखंड कर दो। और हम तो अखंड सुखों को नहीं ले रहे, भस्मासुर कह रहे मेरे को अखंड कर दो, हम तो अखंड बैठे हैं धाम में। तो शंकर भगवान ने क्या कहा, ये मेरे पास शक्ति नहीं है, क्योंकि मैं भी अखंड नहीं हूँ, मेरी भी मृत्यु हो जाती है। तो कहने लगा अच्छा ऐसे करो फिर, जिसके सिर पे हाथ रखूं वही भस्म हो जाए। शंकर भगवान ने कहा ये वरदान तो मैं दे सकता हूँ, तथास्तु। अब भस्मासुर कहने लगा पहले मैं आपको ही भस्म कर देता हूँ, हैं? तो शंकर भगवान आगे आगे और भस्मासुर पीछे पीछे कि मैंने आज शंकर भगवान आपको भस्म करना और मैं ही आपकी गद्दी लूंगा। अब शंकर भगवान बड़े परेशान हो गए कि मैंने तो गलत वरदान दे दिया। वो दौड़े दौड़े विष्णु भगवान के पास गए, तो विष्णु भगवान कहने लगे सोच के वरदान देना चाहिए था, अब ठहर जरा तू अब यहाँ। अब विष्णु भगवान बहुत सुंदर नृत्यी बन गए और भस्मासुर के आगे खड़े हो गए आके। अब भस्मासुर तो मोहित हो गए कि क्या बात है। अब वो कहने लगी नृत्यी विष्णु भगवान बने हुए थे, वो कहने लगे कि देखो मेरी तरह नृत्य करो। अब भस्मासुर वैसे नृत्य करने लगे। अब भस्मासुर कहते हैं कि भी मेरे साथ शादी कर ले। कहेंगे पहले 3 घंटे पहले जैसे ऐसे मैं नृत्य कर रही हूँ वैसे तू भी नृत्य कर, फिर मैं शादी करूँगी। थे तो वो विष्णु भगवान अपने जाल में फंसाना। अब वो करती रहे, भस्मासुर भी करता रहा। जब समय बीता अब भस्मा देखा विष्णु भगवान नृत्यी ने अब ये मेरे कंट्रोल में आ गया है, फौरन अपने सिर पे हाथ रख के नृत्य करने लगी नृत्यी। अब भस्मासुर ने भी देखा भाई मैंने भी इसी तरह से नृत्य करना है। जैसे भस्मासुर ने अपने सिर पे हाथ रखा उसी समय वो भस्म हो गया। तो ये बकुंठ की बातें, ईर्ष्या द्वेष अखंड सुख नहीं है। उसने वरदान क्या मांगा था, मुझे अखंड कर दो। सुंदर साहब जी हमारे तो असली तन हमेशा अखंड धनी के चरणों में है, तो हम जानबूझ के यहाँ पर आकर के वो अखंड सुख धनी हमारे से ना तो व्रत करवा रहे हैं। कोई सुंदर साहब व्रत करता है साल में, बोलो कितने व्रत करते हो, कितनी बार माला लेके जप करते हो। राजी ने कितना सरल तरीका बता दिया, एक ही बात ले आओ प्यार करो दीदार। बस राजी और कुछ भी नहीं मांग रहे कि भी मेरा इश्क मेरे को लौटा दो जो परम धाम में मेरे साथ करते थे। आज हम वो भूल गए दिन कि हम कितना धनी से लाड करते थे, सारा दिन राजी को रिझाया करते थे। प्रातः 4:30 बजे जब हम शयन कक्ष में राजी के साथ शयन कर रहे होते थे, राजी अंतर ध्यान हो जाते थे, तब हम एकदम घबरा जाते थे एक पल के लिए कि राजी कहाँ चले गए। तो राजी अंतर ध्यान होकर कहाँ चले जाते थे अनिल जी, अपने ही अंदर चले आते थे। तो हम वो उतने सुखों को भी भूल गए, एक पल के लिए भी राजी को हम अपने से अलग नहीं करते थे। और यहाँ अब एक पल के लिए भी हम राजी के सन्मुख होना नहीं चाहते। तो राजी हमें इसलिए बार बार ये प्रकरण सिर्फ परम धाम की आत्माओं के लिए है। तभी ऊपर के चौपाई में ये कह दिया ना, महामती कहे जो होवे धाम की सो पहचान के लीजो ला। परम धाम की आत्माओं के लिए आज ये चर्चा का विषय धामधनी कहलवा रहे हैं कि जो परम धाम की आत्माएं हैं वो इस अखंड सुख को ले लो। इन समय खिन को मोल नहीं तो क्यों कहूं दिन मास बरस। और जो ये सुख धामधनी दे रहे हैं, दिन मास और बरस की बात छोड़ो, जो समय हमें ये सुख दिया जा रहा है उसकी कीमत जानो कि ये धनी का अखंड सुख हमें इसके बदले में क्या मिल जाएगा। अगर अभी भी हम महामती कहें पीछा ना देखिए,
ना किसी की परवाह। पीछे मत मुड़ के देखो कि तुमने धनी के सुख लिए या नहीं लिए, चितवन में बैठे या नहीं बैठे, मूल मिलावे में धनी के सन्मुख हुए या नहीं हुए। अब सावचेत हो जाओ, अब धनी के सन्मुख होना शुरू कर दो। मूल मिलावे में हमें अगर चितवन नहीं आती कोई बात नहीं, इतना तो कर सकते हैं, अंगना भाव बन के हम यहाँ से चलें, 14 लोक को पार करें, अक्षरधाम को पार करें, केल के पुल से होते हुए पाठघाट में झीलना करके और छोटक देवरियों में पूरा श्रृंगार पर आत्म वाला करके चांदनी चौक से 100 सीढ़ियाँ चढ़ के 4 चौरस हवेलियों को छोड़ के 5वीं गोल हवेली में धामधनी के सन्मुख उनके चरणों को ही निहारते रहे। सिर्फ इतना ही करना, कोई मुश्किल काम है? हमारे पास समय नहीं है, आधा घंटा इतना ही निकाल लें कि मैंने धनी के चरणों में कैसे जाना है, और उनके चरणों को ही देखते रहो। और स्वरूप नजर नहीं आ रहा कोई बात नहीं, कोशिश करो कि सिर्फ हमारी नजर धाम धनी के चरणों में ही पड़ जाए, और वो चरण ही एक दिन ऐसा आएगा आपको राज्य का पूरा स्वरूप नजर आ जाएगा। राज्य कह रहे हैं, ए चरण मेहर करत जिन ऊपर, ताए देत हृदय पूरण स्वरूप, युगल स्वरूप चित चुभत सुख सुंदर रूप अनु। सिर्फ राज्य के चरणों को देखना शुरू कर दो और कुछ ना करो। अरे ना माला फेरनी है, ना कोई व्रत करना है, सिर्फ राज्य से प्रेम करना। कई बार सुंदर साहब पूछते हैं हमारे अंदर बिरा कैसे आए, इश्क का रोग कैसे लगे, सिर्फ राज्य के चरणों को देखो। ये मत सोचो कि दो दिन देखेंगे, नहीं, लगातार निष्ठा बंद आप 40 दिन देख लो, सिर्फ 40 दिन राज्य के चरणों को देखते रहो। मोबाइल में आधा घंटे का समय भर लो और राज्य आप 40 दिन में ही अनुभव कर लोगे कि आपको राज्य ने कितना कुछ दे दिया है। फिर उसको छोड़ना नहीं, फिर उतना समय धीरे धीरे बढ़ाते जाना। इस ब्रह्मांड में अगर किसी ने हनुमान जी के भी दर्शन करने हैं ना, तो उसको आसानी से हनुमान जी के दर्शन नहीं होते। सुंदर साहब जी, हमें तो राजी सहरक से नजदीक बहुत जल्दी परम धाम की आत्म को दर्शन दे देते हैं, लेकिन हमारा दिल एकदम निर्मल और बिरा से भरा हो, इश्क से लबालब भरा हो, तो राजी एक पल भी दूर नहीं, फौरन हमारे पास आ जाएंगे। और कुछ नहीं करिए, सिर्फ धनी के चरणों को देखिए। बार बार चौपाई कह रही है, फिर सुरता साधी है, धनी चरित्र सुख चैन, इशक आए बेर कछु नहीं, खुल जाते निजने। इशक आना शुरू हो जाएगा, बिरहा आना शुरू हो जाएगा। हम इतना ही सिर्फ करें तो धनी एक पल के लिए भी हमारे से दूर नहीं है। कहूं बदले ना पाइए, कई दौड़त मुझे देखत। अब क्या कह रहे हैं कि भी ये वाणी सुन के इलम चात्री में नहीं आना कि हम प्राणनाथ की तरह बन जाएं। जैसे मुकंददास जी ने क्या करा, प्राणनाथ बनने की कोशिश की पद्मावतीपुरी धाम में। श्रीजी साहेब के मुखारविंद से धामधनी ने 18,758 चौपाइयाँ अवतरित हुई और मुकंददास जी ने दौड़ लगाई, मैं भी प्राणनाथ बन जाऊं। 1,25,25,000 चौपाइयाँ उन्होंने अपना ग्रंथ तैयार कर लिया। तो महाराजा छत्रसाल ने कहा, इस तरह से तो सत्य ढप जाएगा और झूठ का बोलबाला हो जाएगा। उनका जो ग्रंथ था उसको उठा करके केन नदी में सारा उनका जितना भी लिखा हुआ था सारा बहा दिया। थोड़ी सी कुछ चौपाइयाँ आज भी हैं, इल्मी लोग उनको ज़्यादा पढ़ते रहते हैं। तो सुंदर साहब जी वही हाल है, क्या कह रहे, काहू बदले ना पाइए, मुझे दौड़त मुझ देखत
पर रास न आया काऊ को जोलो धनी न बख्शस। इसलिए जब तक राज्य की मेर हमारे ऊपर नहीं होती, हमें कभी भी बुजुर्गी नहीं लेनी है। वाणी कह रही है, खोवे जोश बंदगी, खोवे खोवे साहेब की दोस्ती, इश्क बिना जेती बुजुर्गी, सो सब जानो आग जेती। सिर्फ राज्य का अगर मांगना है, हमेशा हम यही मांगे कि मांगत हूँ मेरे दुल्हा, मन कर कर्म वचन, ए जिन तुम खाली करो, अर्ज करूं दुल्हन, मेरे धनी तुम्हारी साहिबी, तुम अपनी राखो आप, इशक दीजो मोय अपना, मैं तासो करूं मिला, प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा। ये मांगना है हर समय राज्य से, बुजुर्गी नहीं मांगनी। इलम चातरी आती है, ज्यादा इलम लेने से, ये ईश्वरी सृष्टि की निशानी है। जो ब्रह्म सृष्टि है वो हमेशा प्रेम दर्द में ही भीगी रहेगी, इसलिए धनी से मांगना है, यही मांगे हर समय कि हमें अपना इश्क दो, अपना विरह दो, ताकि मेरा मिलाप आपसे हो सके। और बुजुर्गी से धनी कभी भी सुंदर साजी नजदीक आते नहीं है। सुख खंड अक्षरातीत को इन समय पायत हैं ईत। और ये मौका है, हम यहाँ बैठे बैठाए परम धाम का सुख अखंड अक्षरातीत को अपने सामने ला सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। क्योंकि इतना समय हो गया मैं चर्चा सुनते, हम यही चौपाई को ले लें कि सुख अखंड अक्षरातीत को इन समय पायत हैं, हम यहाँ बैठे हुए अक्षरातीत को अपने सामने खड़ा कर सकते हैं। इंद्रावती जी ने क्या कहा कि मैंने आपको अपने हृदय रूपी पिंजरे में बंद कर लिया है, मैं जैसे कहूंगी आपको वैसा करना पड़ेगा, मैं कहूंगी खड़े हो जाओ आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपको कहूंगी बैठ जाओ तो बैठना पड़ेगा। ये इश्क की निशानी है। तो उसी तरह से इंद्रावती जी कह रही हैं, मेरे से सीख लो, कोई सखी अगर ये चाहे कि धाम धनी को अपने बस में कैसे करना है, तो उसको मैं सिखा सकती हूँ कि वाला जी को मैंने बस में कैसे किया। और जितना प्यार राजी मेरे से करते हैं, इंद्रावती कह रही हैं, उतना हर आत्म से करते हैं, लेकिन हर एक को मेहनत तो करनी पड़ेगी। इंद्रावती जी ने कितनी मेहनत की, हम उतनी मेहनत ना कर रहे हैं, कुछ तो मेहनत कर सकते हैं, कुछ तो अपनी रहनी सुंदर साज जी बदल के धाम धनी को अपने धाम हृदय में बैठा सकते हैं। का कहूं कुक्रम तिनके जो मैं रह के खोवत। अब क्या कह रहे हैं, प्राणनाथ जी के समय भी सुंदर साध ऐसे थे जो उनके सामने तो बहुत भगत बनते थे, लेकिन अलग होने के बाद कुकर्म करते थे। तो उसके लिए वाणी में छुपाई रखी है, बाहर दिखावे बंदगी, माहे करें कुकर्म काम, महमत ही पूछे ब्रह्म श्रेष्ठ को, बैकुंठ जासी के धाम। हम सामने तो दिखाला करते हैं, अंदर से हम कुकर्मी हैं, तो ऐसे अगर हम कर्म करेंगे तो कैसे धनी के सन्मुख हो सकते हैं। कईयों खोया जन्म अपना, रहे धनी के जमाने माहे। अब 5000 सुंदर साथ ने घर का मोह लोभ छोड़ के धनी के साथ हो लिए, उनमें सिर्फ 500 ब्रह्म सृष्टि निकले जिन्होंने गुण अंग इंद्रियों पर नियंत्रण किया। और ईश्वरी सृष्टि भी पूरा नियंत्रण गुण अंग इंद्रियों पर नहीं कर सकी, और जीव तो बिल्कुल ही नहीं कर पाए। इसलिए कह रहे हैं कि भी उन लोगों ने धनी के जमाने में रहे, धाम धनी के साथ भी रहे, लेकिन अपनी रहनी को सुधार नहीं सके। इसलिए तुम तो परम धाम के हो, तो वो समय आज भी चल रहा है, इसलिए आप इन वचनों को सुन के अपनी रहनी में परिवर्तन करो। कईयों जन्म सफल किए ऐसा पीऊ का समय पाए। और कईयों ने उस समय अपना जीवन सफल भी किया, ये नहीं है कि सारे एक जैसे थे। तारतम लेके सुंदर साथ बन जाना तो बहुत आसान है,
सुंदर सास से मोमिन बनना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये आपको बीतक के अंदर ये पूरा खुलासा अच्छी तरह से समझा दिया था कि तारतम तो ले लिया, सुंदर सास तो बन गए, लेकिन मोमिन कौन है जो चर्चनी चितवनी और वाणी मंथन में लग गए, तो वो मोमिन है। क्योंकि जैसे 100 विद्यार्थी स्कूल में एडमिशन लेते हैं और जो मेरिट लिस्ट आ जाती है जिनकी, वो भी विद्यार्थी कहलाते हैं, और जो फेल हो जाते हैं वो भी विद्यार्थी कहलाते हैं। उसी तरह से सुंदर साथ हम बन गए तारतम लेके, अगर हम चर्चनी चितवन में लग गए तो हम मोमिन बन गए, लेकिन सुंदर साथ भी कहलाएंगे। और अगर जो चर्चनी चितवन में नहीं लगे, कुकर्म ही कर रहे हैं, कहलाएंगे वो भी सुंदर साथ। इसलिए कह रहे हैं जागृत हो जाओ, और जिन्होंने अपना उस समय अपना जीवन सफल किया, अपनी रहनी को सुधार किया, वो मोमिन कहलाए हैं। सेवा सन्मुख जन्म लो लिया हुक्म सिर चढ़ाए, उस समय सेवा करते हुए धन हो गए। आज की तरह नहीं है, हम नीचे अगर सेवा करते हैं तो कहते हैं भाई हम तो सेवा में लगे हुए हैं। उस समय लालदास जी को देखो, बाकी मोमनों को देखो, अगर वो सेवा में थे, चितवन के समय आके चितवन करते थे, चर्चनी जब श्रीजी साहब कराते थे चर्चनी समझते थे, हर सेवा में साथ रहते थे। लच्छो भाई आके कहती है मैं उस समय हाजिर नहीं थी, आपने जो चर्चा सुनाई, तो हे धामदनी ये बताओ जब हम उठेंगे तब वहाँ कौन सा दिन होगा। तो धनी क्या कहते, सोई घड़ी सोई पल, कृष्ण पक्ष के एकम के दिन आए थे और उसी घड़ी में हमने वापस जाना है। इसलिए खाली हम ये सोचें कि हमने चर्चा सुननी है, चर्चनी के समय उठ के चले जाए, नहीं। हर एक सेवा में जो सामने रहेगा वही परम धाम की आत्म है। साथ में भी धंधन हुईया या के धंधन हुए रात देने, और वही सुंदर साथ जो हर एक जगह रहते हैं, पूरा सेवा में भी, चर्चनी में भी, चितवन में भी, और सुंदर साथ की सेवा में भी हैं, वही वो यहाँ पर भी धंधन है और परम धाम में भी उनके तन तो धंधन है, यहाँ भी शोभा धनी देते हैं। कई छिपे रहे माहे दुश्मन और मारे रहा और ने। अब कई छिपे रहते हैं और खुद तो चितवन चर्चनी में लगना नहीं, और दूसरों को भी जो पास बैठे हैं उनको भी कहेंगे अरे किसी को परम धाम नजर आया है क्या, पूछो इनसे पहले इनको परम धाम नजर आया, हमें ये तो उल्टा रास्ता दिखा रहे हैं। तो खुद भी नहीं करेंगे और दूसरों को भी नहीं करने देंगे। तो सुंदर साहब जी वाणी बीतक में जो लिखा है, बीतक के अष्ट पैर सेवा में 11 साल लगातार सुंदर साथ ने परम धाम को देखा, अपने असली तनों को देखा, हादी के कदमों पे हमें कदम रखने हैं, ना कि जो सुंदर साथ हमें गुमराह करें। आजकल प्राणनाथ बहुत बने हुए हैं और वो सुंदर साथ को गुमराह करते हैं, भाई चर्चनी चितवनी में नहीं लगना चाहिए। तो हमें हादी के कदमों पे कदम रखने हैं, ना कि जो हमें गुमराह करें। गुमराह के लिए राज्य ने चौपाई भी लिख दी है, मैं डरता हूँ इन अगुओं से जो गुमराह कर सी मेरी उम्मत। तो ऐसे मैं लोगों से भी प्राणनाथ जी कह रहे हैं मेरे को डर लगता है, जो मेरे सुंदर साथ सही रास्ते पे भी चलते हैं उनको गुमराह करते हैं। चाल उल्टी चल देखा वही तो भी धनी ना तजे तेने। अब चाल उल्टी भी चलते हैं वाणी से अलग, अपनी चर्चा समझाने की कोशिश करेंगे ताकि सुंदर साथ उनके चरणों में जोड़ने के लिए, अपने चेले अलग बनाने के लिए वाणी से उल्टा रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन धनी तो इतने मेहरबान हैं, वो कहते हैं ये भी मोमन हैं वो परम धाम की आत्माएं, लेकिन बुजुर्गी लेके सुंदर साथ को गुमराह करते हैं। लेकिन धामधनी इतने मेहरबान हैं, ऐसे लोगों को भी वो छोड़ते नहीं,
उनके ऊपर भी मेहर करते हैं। दृष्ट उपली सजन हो रहे बोल दिखावे मीठे बहन। और ऐसे लोग हैं बड़े चापलूस होते हैं, मुंह से तो बड़े मीठे बने रहेंगे, सामने आएंगे अजी आप तो बहुत अच्छे हो, आपसे तो राज्य महाराज बड़ी अच्छी चर्चा कराते हैं, बड़ी चर्चनी कराते हैं, मुंह से ऊपर मीठी मीठी बातें करते हैं। जन्म सारा धनी संग रहे कबू दिल ना दिया सुख चैन। और पूरी उम्र राज्य के साथ रहते हैं पर कभी भी दिल अपना धनी को नहीं दिया। उनके दो दिल होते हैं ऐसे लोगों के, ये जो दो ही दिल रखते हैं ये जीव सृष्टि की रीत, माहे महले बाहर उजले ये जीव सृष्टि की प्रीत, कि दिखाना सिर्फ करेंगे कि हम धनी के साथ जुड़े हुए हैं। सबसे खतरनाक इन्हीं को वाणी के अंदर मुनाफक कहा गया है। ये भी सुंदर साथ देखिए, तीन कैटेगरी हो गई सुंदर साथ की, जैसे विद्यार्थियों की बताई कि जो विद्यार्थी फेल हो गए वो भी विद्यार्थी हैं, जो कम नंबर लेके पास हुए वो भी विद्यार्थी हैं, जो मेरिट लिस्ट ले ली वो भी विद्यार्थी हैं। ऐसे ही सुंदर साथ जो चर्चनी चितवनी में लगे वो भी सुंदर साथ कहलाएंगे, और जो कम हैं वो भी सुंदर साथ कहलाएंगे, और जो बिल्कुल कुछ नहीं करते ऐसे गुमराह करते हैं वो भी सुंदर साथ ही कहलाएंगे। इसलिए हम अपने, हम दूसरे को ना कहें, अपने को देखें हम किस कैटेगरी में, हम जितने बैठे हैं कहलाएंगे तो सुंदर साथ, इन्हीं में मोमन भी हैं मुनाफक भी हैं और काफर भी हैं। तीन कैटेगरी हो गई। बीतक में ये सारा प्रसंग अच्छी तरह हमने समझ लिया, मोमन कौन, मुनाफक कौन और काफर कौन, और तीनों हैं सुंदर साथ। ये नहीं है कि हम सुंदर साथ नहीं कहलाएंगे, कहलाएंगे सुंदर साथ। तीन तरह का ढंग राजी समझा रहे हैं। इन विद कई रंग साथ में यूं बीते कई बीतक। इन विद कई रंग साथ में, इस तरह से बहुत तरह से, इस तरह से सुंदर साथ है। हर की बीतक अलग अलग है और सबकी बीतक कहाँ लिखी जा रही है, परम धाम में। हम ये ना सोचें कि एक ही बीतक है जो हमारा साल सुनते हैं। जो जो बात अगर हम कुफर करते हैं, गलत बोलते हैं, सुंदर साथ से प्रेम भाव नहीं रखते, हर एक की बीतक परम धाम में लिखी जा रही है। बात उठावे मन से पहुंचे हक वतन, एक जरा छिपी ना रहे आगो इन खसम। राजी महाराज को डॉक्टर की तरह एक्सरे लेने की जरूरत नहीं है, कि डॉक्टर तो कहता ना भाई तेरे को तकरीब है जा ये एक्सरे करा ला, अल्ट्रासाउंड करा ला। हमारे बीच में डॉक्टर बैठे हैं, है ना, तो वो जरूरत नहीं है राज्जी को, वो देखते ही पहचान जाते हैं इसके दिल में कितना कुफर है, ये मुनाफक है काफर है या मोमिन है, और इसके दिल में कितना मेरे लिए प्यार है, कितना पखंड करके मत्था टेक रहा है, सिर्फ जहरी चीज मांगने के लिए सुंदर साथ बना हुआ है या परम धाम की खुराक भी ये लेने आया है। तो देखते ही राजी सामने बैठे हैं, हमें नजर नहीं आ रहे, मैं छिपूंगा तुम्हें नजर में ले, भाई देख रहे हैं तुमको श्यामा श्याम, मेरी अंगना करती है क्या काम। राजी को नजर आ रहे हैं सब सुंदर साथ, उनकी नजर सब के ऊपर है, वो देख रहे हैं एक एक के अंदर किसके अंदर निर्मल भाव है और कौन पखंड कर रहा है। सब पर मेहर महबूब की पर पावे करनी माफक। अब बारिश तो हो रही है, बादल बरसिया रू अल्लाह, बूंदे लई सोते न और कोई ना ले सके बिना अरश रूहन। तीन मटके हैं, एक का सीधा है, एक का टेढ़ा है, एक का उल्टा है। अब जिसका उल्टा है, जो आया ही घंटे बाद है, तो उसने क्या चर्चा समझी, उसके अंदर क्या जाएगा चर्चा का। और जिसका टेढ़ा है, कुछ शब्द गए कुछ नहीं गए, और जिसका सीधा है सारी खुराक उसके अंदर चली गई। तो बादल बरसिया रू अल्लाह, बूंदे लई सो तीन,
और कोई ना ले सके बिना अरश रोहन। और ये खुराक सिर्फ परम धाम की आत्माओं को मिलनी है, और ये प्रकरण स्पेशल परम धाम की आत्माओं के लिए है। हर तरह से उनको सिखापन धामधनी दे रहे हैं। अगर तुम काफरों की लाइन में हो तो सीधे हो जाओ, मुनाफक बने हो तो सीधे हो जाओ, सीधी तरह से आ जाओ, नहीं तो मेरे को अपने रास्ते पे लाना आता है। तरफ देखती नहीं, अब टेढ़ी उंगली से घी निकालता हूँ, अपने पास बुलाना ही पड़ेगा तुम्हें। तो राजी तो फिर कोई ना कोई तरीका अपनाएंगे, इसलिए वो कह रहे हैं सावचेत हो जाओ। दुख माया धनी पे मांग के हम आए जिमीन। स्पेशल हमने मांगा है राजी, जितने दुख दिखाने हैं दिखा लो, ब्रिज राज से हमारा पेट नहीं भरा, उम्मीदा ना हो या पूरण। तो हमारी इच्छाएं पूरी करने के लिए आज हम ये सोचे हमें कैंसर क्यों हो गया, हमें शुगर की बीमारी क्यों हो गई, परम धाम में मांगा हुआ है। जब उठोगे ना लिस्ट राजी आगे दिखा देंगे, आपका टेप चला देंगे, क्योंकि यहाँ भी रिकॉर्डिंग आज तो इतनी हो गई ना, हम दो जने बात करें पता नहीं दूसरे के जेब में मोबाइल है और वो सारी बात रिकॉर्ड कर रहा है, तो हमें ना पता लगे, है ना, सब कुछ हो जाता है रिकॉर्ड। तो राजी वहाँ हम झूठ तो नहीं बोल पाएंगे, राजी मैंने ये कम मांगा था, इतना कष्ट दिखा दिया, ये ले सुन ले अपनी रिकॉर्डिंग, तो रिकॉर्डिंग चल जाएगी। हमारे दिल में जो जो चाहनाएं थी, चौपाई कह रही है दुख माया धनी पे मांग के, हमने ये दुख मांगे हुए हैं, जो राजी हमें ये खेल दिखा रहे हैं। सोचल स्वरूप अपना देखा वही तो भी भूले नहीं सुहागे ने, ये माया छल दिखा रही है हमें। अब रावण जब सीता माता को हर के ले गया, अब सीता माता काबू नहीं आ रही, अब उसने एक बार क्या किया, नकली सिर राम का लेके उसके ऊपर कपड़ा डाल के ले गया, कहता देख मैंने तेरे राम को मार दिया, कपड़ा हटा दिया। सीता कहती है मुझे ये तो पता नहीं ये कौन है, लेकिन मेरे को इतना पता है राम भगवान तेरे जैसे दुष्ट आदमी से मर नहीं सकते, और वो देखो इसी ब्रह्मांड की मालकिन है, इससे ऊपर उसको कुछ पता नहीं, और हम कौन है, और हमारा यकीन कितना पक्का होना चाहिए, ये सोचो। वाणी क्या कह रही, यकीन ना छूटे सुहागनी, पड़े अनेक विघन प्यारी पियू के कारणे, जीव को ना करे जतन। हमारा यकीन इतना पक्का होना चाहिए, बड़े से बड़ा दुख भी सामने आ जाए तो हम धनी को ना छोड़ें और दूसरे देवी देवता के पास ना दौड़ें। अगर राजी हमारा दुख दूर नहीं कर सकते तो इन देवी देवताओं के पास कोई पावर नहीं कि हमारा दुख दूर कर दें। सोच लेना ये राजी की तरफ से दुख आ रहा है, ये खेल किसी और ने नहीं बनाया, खेल किसने बनाया है, उपनी छे मूल धनी थकी, राजी के हुक्म से एक एक पल बीत रहा है हमारा। महामति तुम पर मोमनो दम दम जो बरतत, सो सब इशक हक का पल पल मेर करत। एक एक पल हम सांस भी ले रहे हैं तो धनी के हुक्म से आ रही है, उनकी मेर से हम सांस ले रहे हैं, नहीं तुम सांस भी नहीं ले पाते। और भी देखो विचार के तो हुक्मे सब कछु होए, और भी विचार के देखो जो कुछ भी हो रहा है इस ब्रह्मांड में सब धनी के हुक्म से हो रहा है, और ये खेल भी सिर्फ तुम्हारे लिए देखने के लिए सिर्फ राजी ने बनाया है। बिना हुक्म है जरा नहीं हार जीत देखावे सोए, आज अगर हम जिंदगी में हार जाते हैं हमें दुख है, जीत जाते हैं तो वो सब राजी के हुक्म से हो रहा है। जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगीर, या पाक करो हादीपना, या बैठाओ माए तकसी, राजी के हाथ में है।
इसलिए कभी हम मैं पना ना लेवें। श्री महामति कहे लिया मांग के ए धनिये दिखाया चल। अब क्या कह रहे हैं, तुमने मांग के लिया है और मैं तो बिना मांगे देता हूँ। हक को काम और कछु नहीं, देवे रूओ लाड लजत, ए तो बिगर चाहे सुख देते हैं। तो मांगिया क्यों ना पावत, हमें आज नहीं पता कि हमारे घुटनों में दर्द क्यों है, हमसे बैठा क्यों नहीं जाता, इतनी तकलीफ क्यों है, ये सब कुछ हमने मांगा हुआ है। आपकी टेप चला देंगे राज जी। इसलिए जितने भी दुख देख रहे हो, तुम्हारी आत्म ने मांगा है। मामती कहे लिया मांग के धनिये दिखाया छल। ये छल राजी नहीं, हमें ना हमारे मांगने पे हमें ये छल दिखाया है। जो सन्मुख रहसी धनी धाम सो कैसी छल को बल। और हम सन्मुख कैसे रह सकते हैं, बिना चितवनी के हम राजी के सन्मुख रह ही नहीं सकते। जो सन्मुख रहसी धनी धाम सो, इसलिए पूरी वाणी में एक ही छुपाई बहुत है, निष्दिन ग्रहिये प्रेम सो, श्री युगल स्वरूप के चरण, इसके अलावा हम सन्मुख नहीं रह सकते। जो सन्मुख रहसी धनी धाम सो, सिर्फ हम राज्य के मूल मिलावे में पहुंचे अंगना भाव से, उनके चरणों को देखते रहो आधा घंटा। सबसे सरल तरीका, कोई ये कहे मेरे को वाणी पढ़ने नहीं आती, मेरे को इश्क नहीं आता, कैसे चितवन करनी है वो नहीं आता, इतना तो अनपढ़ आदमी कर सकता है अंगना भाव से कि मैं आपकी अंगना आ मेरे धाम धनी, चाहे वो पुरुष है चाहे कोई है, और बस मूल मिलावे में आपके चरणों में बैठी हूँ और धनी के चरणों को आधा घंटा देखते रहो, उन्हीं के चरणों की मेहर से हम उनके सन्मुख हो जाएंगे, एक दुल्हन दूल्हा के सामने हो जाएगी, तो वो हमें सारे सुख दे देंगे। तो समय पूरा होता है तो वही कैसी छल को बल, जो राजी के सन्मुख हो जाएगा वही इसी छल का वर्णन कर सकता है, दूसरा कोई भी इस छल का वर्णन नहीं कर सकता। अब मिलकर के चौपाई दुराएंगे प्राणाधार सुंदर साहब जी। सो कैसी छल को बल, सो कैसी छल को बल, श्री महामति कहे लिया मांग के, श्री महामति कहे लिया मांग के, ए धनिये दिखाया छल, ए धनिये दिखाया छल, जो सन्मुख रहसी धनी धाम सो, जो सन्मुख रहसी धनी धाम सो, सो कैसी छल को बल, सो कैसी छल को बल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।